मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकंड इथोलॉजी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम बात करेंगे रीसस बंदर का सोशल ऑर्गेनाइजेशन। रीसस बंदर अनेक मादाएं व संततियां सहित बहु नर समूह अर्थात बहुनर द्विलिंगात्मक समूह के रूप में रहते हैं। लंगूर के सामाजिक संगठन की बात करें तो लंगूर में एक नर और बहु मादाएं एवं बच्चा समूह के रूप में रहते हैं और नर समूह अलग रहता है, जबकि बंदर के अंदर बहुनर द्विलिंगात्मक समूह मतलब बहुत सारे नर एक साथ रहते हैं, साथ में मादा और बच्चे रहते हैं, जिसे बहुनर द्विलिंगात्मक समूह कहा जाता है। रीसस बंदर के समूह प्रारूपी बहुनर द्विलिंगात्मक प्रकार का होता है, जिसमें अनेक नर व अनेक मादाएं होते हैं तथा सर्वाधिक प्रभावी नर अल्फा कहलाता है। इसके बाद इससे कम प्रभावी नर बीटा कहलाता है और उससे कम प्रभावी नर गामा कहलाते हैं। टोली में प्रत्येक नर के मध्य सीधे रुतबे का क्रम होता है, मीन्स यहाँ भी प्रभावीता उसकी ताकत पर निर्भर करती है और ताकत के आधार पर उनके आकार और ताकत के आधार पर उनकी वलिष्ठता के आधार पर अल्फा बीटा और गामा नरों में बांटा जाता है। सबसे प्रभावशाली या सबसे प्रभावी या उस समूह का उस सामाजिक समूह का जो नियंत्रक है उसे प्रभावी या अल्फा नर कहा जाता है। लाल मुंह का बंदर शौण मुख बंदर भारत में सभी जगह पाया जाता है तथा बहुनर द्विलिंगात्मक समूह में रहता है। नरों के मध्य प्रभावीता सोपान या पदानुक्रम मिलता है। समूह में अल्फा नर व उसके बच्चे सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि जो प्रभावी नर हैं, प्रभावी नर की जो संतान उत्पन्न होती है उनमें भी प्रभावी ही होते हैं या उन वो आगे जाके प्रभावी बनने की संभावना रहती है। प्रभावी नरों को उनकी आत्मविश्वास से भरी चाल और लंबे डगों से पहचाना जा सकता है। ये अपनी पूंछ उठाकर चलता है। यदि पूरा समूह चल रहा है तो उसमें आसानी से उसकी पहचान की जा सकती है कि वह जो चलने का उसका स्टाइल है वो अलग तरह का होगा। लंबी लंबी चाल डग जो है वो भरता है, आत्मविश्वास के साथ चलता है और अपनी पूंछ को उठाता है। अप्रभावी नर संभल कर चलता है, पूंछ टांगों में दबाकर चलता है। यदि अल्फा नर कुछ समय के लिए समूह से बाहर चला जाता है तो बीटा नर अपनी पूंछ उठा लेता है व अल्फा नर के स्थान पर समूह को नियंत्रित करता है व पुनः अल्फा नर के पुनः आने पर अपनी पूंछ नीचे कर लेता है। तो यदि एक बंदरों का जो है वो समूह है, एक झुंड है, तो उसमें आसानी से जो है वो हम अल्फा बीटा और गामा नर की पहचान कर सकते हैं। ऐसा नर जो पूंछ उठा के जो है वो चल रहा है, सबसे बलिष्ठ है, वो अल्फा नर है। अल्फा नर कुछ समय के लिए यदि समूह से अलग हो रहा है तो जो उसके बाद प्रभावी नर है जिसे बीटा नर कहते हैं वो अपनी पूंछ उठाकर और समूह पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है। बंदर के समूह बढ़ते कम हैं, अस्थायी तौर पर अपने समूह भोजन खोजने के लिए परिवारों में बट सकते हैं, मीन्स ये एक स्थायी समूह के रूप में रहते हैं, ये आपस में विभाजित नहीं होते हैं, ये बटते नहीं हैं। उस स्थिति में ये बट जाते हैं कि यदि भोजन की तलाश करनी है, पानी की तलाश करनी है, विश्राम स्थल की तलाश करनी है,
तो ये छोटे छोटे समूहों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में इन चीज़ों की खोज करते हैं, और जिसे सबसे पहले मिल जाती है वो अलार्म क्लॉक के द्वारा सबको सूचना दे देता है। सभी पारिवारिक इकाइयां निकट ही रहती है तथा संकट के समय, दिन में आराम के समय और हर रात सोते समय इकट्ठे हो जाते हैं। आराम के समय एकांतर क्रम में समूह के नर पहरेदारी करते हैं, वे खतरा होने पर अलार्म सूचना देते हैं। यहाँ इनकी जो अलार्म सूचना का जो साउंड है वो हुप साउंड होता है। ये एकांतर क्रम में, जैसे ये काम नरों का है। रात्रि को विश्राम के समय जब बंदरों का समूह किसी पेड़ पर जो है वो विश्राम करता है, तो उस समय कुछ नरों द्वारा जाग कर चौकसी व्यवहार किया जाता है, और खतरे के संकेत मिलते ही या खतरे की सूचना मिलते ही, जैसे ही ऐसा महसूस होता है कि इनको खतरा आना है, ये तुरंत जो है वो अलार्म क्लॉक से सूचना देते हैं। किसी समूह को अत्यधिक भोजन मिलने पर भी अलार्म सूचना दी जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा बंदरों का समूह है, एक साथ यदि वो रह रहे हैं तो भोजन की उनको अनुपलब्धता रहेगी, भोजन जो है वो कम उपलब्ध रहेगा। अस्थायी रूप से ये कुछ समूह में बंट जाते हैं और बंटने के बाद में भोजन की तलाश करते हैं। यदि उन्हें अपने समूह के भोजन के लिए या पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो वे एक दूसरे समूह को सूचना नहीं देते हैं। लेकिन यदि भोजन की उपलब्धता बहुत प्रचुरता में होती है तो अलार्म क्लॉक के द्वारा वो और समूह के और सदस्यों को भी ये सूचना देते हैं। समूह का नियंत्रण मुख्य रूप से प्रभावी नर द्वारा किया जाता है। वे मादाओं का कार्य पैतृक संरक्षण, भोजन खोजने में सहायता प्रदान करना है। यहाँ बंदरों के अंदर भी प्रभुत्व की लड़ाई लड़ती है। जब अल्फा नर बुजुर्ग होने लगता है तो बीटा नर को ऐसा महसूस होता है कि मैं अब प्रभावी नर हो सकता हूँ, तो आपस में ताकत के प्रदर्शन द्वारा, लड़ाई के द्वारा प्रभावी नर का चयन किया जाता है। बंदरों के अंदर एक मौसी व्यवहार पाया जाता है। जैसे कुछ मादाएं ऐसी होती हैं जिनके पास छोटे शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप नहीं कर सकती, पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी में जाने में दिक्कत आती है और भोजन और पानी के लिए परेशानी होती है। उस स्थिति में जो समूह की अन्य मादाएं हैं उस छोटे शिशु को अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए अपने पास रख लेती है और उसका ध्यान रखती है, जिससे उसकी जो मूल मादा है वह मादा बंदर कुछ समय के लिए फ्री हो जाती है और वह आराम से जाकर भोजन ले सकती है, पानी जो है वो पी सकती है, और भोजन और पानी पीने के साथ में फिर अपने बच्चे को वापस संभाल सकती है। यहाँ जो प्रभावी नर है उसका ही मादाओं के साथ मैथुन करने का रहता है, अन्य नरों को समूह की मादाओं के साथ मैथुन करने का अधिकार नहीं होता है। यदि किसी समूह में बंदरों द्वारा गलत हरकत की जाती है या नियमों को नहीं माना जाता तो उसे उस समूह से बहिष्कृत कर दिया जाता है, और यह समूह से जो बहिष्कृत है वो स्थायी बहिष्कृत होता है, पुनः उसे उस समूह में नहीं लिया जाता। इस तरह से बंदरों का एक स्थायी सामाजिक संगठन के रूप में बंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ लंगूर और बंदरों के सामाजिक संगठन में जो विशेष अंतर है, बंदरों में बहुनर द्विलिंगात्मक समूह पाया जाता है, मींस एक साथ बहुत सारे नर रहते हैं, मादाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं और सभी एक साथ रहते हैं, जबकि लंगूरों के अंदर नर समूह अलग से रहता है,
दूसरा एक नर बहुमादा समूह जो बच्चों के साथ रहता है वो एक अलग से रहता है, और दोनों समूह नर प्लस जो एक नर बहुमादा और बच्चों सहित समूह हैं वो अलग रहता है, और आपस में उनमें प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन बंदरों में बहु नर द्विलिंगात्मक समूह मीन्स सारे के सारे जो नर हैं वो एक ही समूह में रहते हैं, सारी मादाएं उसी समूह में रहती है और बच्चे भी उसी समूह में रहते हैं। नियंत्रण अल्फा नर के द्वारा ही होता है। धन्यवाद, डाल दो।